राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज चर्चा करेंगे सर्वोदय विचार परीक्षा, जो कि कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थी और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी, इन दोनों के लिए ही यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2021-22 में विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। आइए इसकी जानकारी लेते हैं। यानी 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, अब आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आपको कहां से फॉर्म डाउनलोड करना है, किस प्रकार फॉर्म भरना है, तो आइए इस पर पूर्ण चर्चा करके देखते हैं। देखिए, ये परीक्षा जो है आपके लिए 2021-22 में कब होगी, कैसे होगी, इसका संपूर्ण जो बायोडाटा है हम देखेंगे। राज्य स्तरीय सर्वोदय विचार परीक्षा 2021 है। कक्षा 9 से 12 तक का फर्स्ट ग्रुप और महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के ग्रुप को ग्रुप सेकंड कहा जाता है। यानी यूं कह सकते हैं कि कक्षा 9 से लेकर के और कॉलेज तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी है वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। यह परीक्षा आपके लिए होगी। इस परीक्षा में पेपर कैसा आएगा वो पेपर भी आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। यानी उसमें पेपर में प्रश्न भी लगातार आपके सर्वोदय विचार के जल्दी ही आपके इसी चैनल पर, आपका जो चहेता चैनल है साहित्य क्लासेस, इसी चैनल पर आपके आएगा। और आप ये जो ग्रुप है इसमें आप ऐड हो सकते हैं 9610208295। यानी इन पर अब हम जैसे मान लो कैसे फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने के लिए देखिए यहाँ पर विचार कीजिए आप थोड़ा। बहुत ही अच्छी परीक्षा है। इसमें आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 42 यानी वर्ष 2021-22 के पैरा 2 में अंकित विद्यार्थियों में गांधी जी के विचारों एवं मूल्यों के प्रसार हेतु राज्य सरकार के कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग जयपुर के निर्देशानुसार सर्वोदय विचार परीक्षा 2021 नवंबर माह के दूसरे और तीसरे सप्ताह में होगी। नवंबर महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में होगी और परीक्षा के आयोजन हेतु नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वही इस एग्जाम को करवाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही इसका पेपर जारी करेगा। राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि के इसके समन्वयक होंगे। आयोजन राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि के सहयोग से और समन्वय से किया जाएगा। सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन प्रति वर्ष किया जाएगा। अब से क्या है कि ये कर दिया है कि प्रति वर्ष जो है वो ये सर्वोदय विचार परीक्षा होनी चाहिए। विद्यार्थियों को, जो टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, उनको अधिक से अधिक फायदा मिले, इसके लिए ये परीक्षा की गई है। अब देखिए इसकी और क्या क्या शर्तें हैं इस परीक्षा की और शर्तें देख लीजिए आप। इस परीक्षा में आयोजन एक दिवसीय होगा, एक दिन में ही होगा। कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को ग्रुप 1 और महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों ग्रुप 2 के लिए पृथक पृथक आयोजित होगी। यानी 9 से 12 तक का पेपर अलग होगा और बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी जितने भी हैं उनके लिए अलग होगा। और परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा और कुल प्रश्न उसमें 100 आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न आएंगे और 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। उक्त परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होगा, कोई फीस नहीं होगी। आप ये सोचेंगे कि इस परीक्षा में कोई फीस होगी, कोई फीस नहीं है इस परीक्षा की। आवेदन आपको करना है और परीक्षा तिथि नवंबर महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में होगी। यानी दूसरे सप्ताह में कक्षा 9 से 12 के लिए और तीसरे सप्ताह में कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा होगी। कहने का अर्थ यह है कि अभी आपके पास लगभग 2 महीने पड़े हैं, यानी 2 महीने में आप अच्छी तैयारी इसकी कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र जो है वो, परीक्षा का समय बाद में घोषित किया जाएगा। केंद्र पर पहुंचने का समय है वो भी, टाइम टेबल बाद में घोषित किया जाएगा। और परीक्षा केंद्र कहाँ होंगे? देखिए, परीक्षा केंद्र होंगे जिला या निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित करवाई जाएगी परीक्षा। राज्य के सभी जिलों में जो निर्धारित परीक्षा केंद्र, अब जैसे मान लो ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो ये परीक्षा है वो तहसील स्तर पर भी हो सकती है, और नहीं तो आपके जिला स्तर पर तो निश्चित रूप से होगी। राजस्थान के जो 33 जिले हैं उन जिला मुख्यालयों में तो निश्चित रूप से होगी होगी। और ज्यादा होने पर आपके जैसे तहसील स्तर पर भी इसकी परीक्षा हो सकती है। अब इसका पेपर कैसा होगा, यानी 100 प्रश्नों का होगा और 90 मिनट का होगा, पेपर कैसा होगा, क्या क्या आएगा इसमें देखिए आप थोड़ा सा। परीक्षा पाठ्यक्रम गांधी जी के जीवन व्रत और उनके आदर्श और
संपूर्ण समर्पण संबंधी पुस्तकों से रहेगा। विस्तृत जानकारी पाठ्य पुस्तक बोर्ड की वेबसाइट पर, यानी ये जो बोर्ड की वेबसाइट है राजस्थान एजुकेशन बोर्ड राजस्थान गवर्नमेंट.in पर 2 अक्टूबर 2021 को इसका पाठ्यक्रम अपलोड कर दिया जाएगा। यानी 2 अक्टूबर आने वाला ही है, लगभग 10 दिनों में आपके पाठ्यक्रम अपलोड हो जाएगा। और इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 30 सितंबर ही है, अभी तो 30 सितंबर ही है, 30 सितंबर से आगे शायद बढ़ेगी भी नहीं, और 30 सितंबर तक आप आराम से इसके फॉर्म है वो भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं बताता हूं आपको। परीक्षा की अवधि 90 मिनट, प्रश्न पत्र में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी होगा, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, हिंदी में भी होगा अंग्रेजी में भी होगा। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां कक्षा 9 विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक ग्रुप फर्स्ट तथा महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन संबंधित विद्यालय या महाविद्यालय द्वारा बोर्ड की वेबसाइट ये राजस्थान एजुकेशन बोर्ड गवर्नमेंट.in पर बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रदत्त और स्व प्रदत्त पासवर्ड एवं महाविद्यालय के डाइस कोड के माध्यम से एवं रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल पर भेजे गए पासवर्ड का उपयोग कर दिनांक 11/9 से 30/9/2021 तक कर सकेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय की जो डाइस कोड है उसके माध्यम से ही आपको भरा जाएगा और वहीं से आपके विद्यालय के पासवर्ड होंगे और वहां से आप इसके फॉर्म है वो भर सकते हैं। और फॉर्म भरने का जो 30 नवंबर है रात के 12 बजे तक लाइन खुली रहेगी, आप इसके फॉर्म है वो भर सकते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र ही स्वीकार्य होंगे, ऑनलाइन ही आवेदन करने हैं। अब ऑनलाइन आवेदन के लिए कैसा नमूना क्या है, देखिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु जो नमूने हैं वो आप वेबसाइट से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए और क्या है, पुरस्कार इनाम क्या होगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्र छात्राओं में से वरीयता प्राप्त छात्र छात्राओं को विद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर अलग अलग को राज्य स्तर पर जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। जिला स्तर पर राज्य स्तर पर, अगर मान लो कोई जिला टॉपर है तो वो भी जिले में अगर टॉप आया है जैसे 1 से लेकर 3 तक है जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसमें जो जिले में जो टॉप आएंगे उन विद्यार्थियों को हो सकता है कि जिले के 100 विद्यार्थियों को भी कर सकते हैं। यानी आपको पुरस्कृत किया जाएगा और जिसकी सूची ऑनलाइन प्रसारित की जाएगी। पुरस्कारों की घोषणा प्रत्यक्ष की जाएगी। क्या क्या पुरस्कार दिया जाएगा, भाई स्कूटर दिया जाएगा, मोटरसाइकिल दी जाएगी, लैपटॉप दिया जाएगा या कोई नगद इनाम होगा, आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी, क्या होगा वो थोड़ा आगे बता दिया जाएगा। और प्रवेश पत्र, परीक्षा आरंभ से पूर्व प्रवेश पत्र विद्यालय महाविद्यालय प्रधान द्वारा बोर्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रमाणीकरण पश्चात परीक्षार्थियों को वितरित कर सकेंगे। यानी जो इनके प्रवेश पत्र आएंगे जिस प्रकार अपने बोर्ड के प्रवेश पत्र आते हैं वैसे ही प्रवेश पत्र है वो इनमें आ सकेंगे। ऑनलाइन भरने के लिए, आवेदन भरने के लिए देखिए आवश्यक निर्देश देख लीजिए आप कि उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र करने हैं और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रदान की होगी। यानी जो संस्था प्रदान है वो ही आवेदन कर सकेंगे। तो आप विद्यार्थी जो है वो जाकर के अपने संस्था प्रधान से कहें कि हमारा फॉर्म है वो सर्वोदय विचार परीक्षा का फॉर्म भरना है, तो आप जाकर के भरें, परीक्षा में भाग लें, क्योंकि परीक्षा एक बहुत बड़ी चीज होती है। परीक्षा में आप भाग लेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि परीक्षाएं कैसे होती है। आज से जब परीक्षाएं देना सीख जाओगे तो आगे आपके काम आएगी। और ये नमूने का जो आवेदन पत्र है बोर्ड की वेबसाइट पर है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख करके आप भर सकते हैं। संस्था प्रदान ऑनलाइन आवेदन पत्र परीक्षा की परीक्षार्थी जन्म दिनांक, कैटेगरी, घर का पूर्ण पता, ईमेल आईडी, मोबाइल ये सही अंकित करना है उसमें और उसमें फॉर्म भर सकता है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में सावधानी पूर्वक सारी सूचनाएं भरनी है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आप एक बार देख लीजिए कि मेरा जो फॉर्म भरा है वो कैसा है, सही है कि नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को बोर्ड नियमानुसार अतिरिक्त समय दे होगा। जैसे मान लो अगर कोई दिव्यांग विद्यार्थी है तो दिव्यांग को अलग से समय दिया जाएगा, दिव्यांग को अलग से समय दिया जाएगा। ओएमआर सीट कैसे भरी जाती है वो मैं आगे बता दूंगा आपको कि ओएमआर सीट कैसे भरते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप सभी विद्यार्थी ये फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद जब भी आपका ये पाठ्यक्रम आ जाएगा, पाठ्यक्रम आने पर आपको तैयारी करवाई जाएगी और इसी चैनल से करवाई जाएगी। तो आप पे 9610203
8295। इन नंबरों को आप अपने यानी मोबाइल में सेव कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जब भी वीडियोज अपलोड होते रहेंगे तो आपके लिए आपके मोबाइल पर उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप निश्चित रूप से ये काम कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अधिक से अधिक फॉर्म भरेंगे और वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भरेंगे और फॉर्म आप अच्छी तरह से भर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।